छह महीने बाद आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप का हिस्सा और पार्टी की आवाज कहे जाने वाले संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने के ठीक एक दिन बाद संजय सिंह को जमानत मिलने की खबर आई। संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। सवाल ये है कि संजय सिंह तिहाड़ से बाहर आने के बाद क्या संकट मोचक की भूमिका अदा कर पाएंगे? क्या वो केजरीवाल का संजय बनकर पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकाल पाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद हैं। केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री तिहाड़ की सलाखों के पीछे मौजूद है, और ऐसे में संजय सिंह केजरीवाल के लिए सियासी संजीवनी बनकर तिहाड़ से बाहर आ रहे हैं। संजय सिंह की रिहाई को आपके लिए संजीवनी कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी, लेकिन अब संजय सिंह सलाखों से बाहर आ चुके हैं। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि संजय सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए रीढ़ की तरह काम करते हैं। बताते चले कि आम आदमी पार्टी इस वक्त 3 मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। पहला, नेतृत्व की कमी, दूसरा लोकसभा चुनाव, और तीसरा घोटाले का दाग। संजय सिंह एक साथ अपनी पार्टी के लिए इन तीनों चुनौतियों से निपटने का काम कर सकते हैं। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही पार्टी नेतृत्व के संकट से जूझ रही थी। पार्टी की कमान कौन संभालेगा ये तय नहीं हो पा रहा था। केजरीवाल के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मोर्चा तो संभाल रहे थे, लेकिन केजरीवाल की खाली कुर्सी पर बैठने के लिए सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा था। चर्चा थी कि सुनीता केजरीवाल ही अरविंद की जगह जिम्मेदारी संभालेंगी, लेकिन सुनीता केजरीवाल के साथ रिस्क ये था कि वो कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही हैं। उन्हें संगठन के कामकाज का तजुर्बा नहीं है, ऐसे में वो कमजोर खिलाड़ी साबित हो सकती हैं। अब इसी बीच एक और सवाल उठता है कि संजय सिंह के बाद अगली रिहाई किसकी होगी? क्या दूसरे नेताओं को जमानत मिलना होगा आसान? जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी के जो नेता गिरफ्तार हैं वो भी बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी जान लीजिए कि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मैं फैसला सुरक्षित रख रही हूं। अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर मुहैया कराए जाने समेत संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। तो वहीं ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में प्रथम मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। मौजूदा समय में याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है, अपराधियों को गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह की रिहाई को लेकर BJP पर हमला कर रही है, जबकि BJP इसे मातम मनाने की वजह बता रही है। जांच खत्म नहीं हुई है, लेकिन ED अब संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ट्रायल पूरा होने तक जब जब तारीखें आएंगी तब तब संजय सिंह को पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान ED ने संजय सिंह की राजनीतिक बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।